पृथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटे हैं और वो हल्के के लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का कहना है कि मैं कोठी बनाने के लिए और फार्म हाउस खरीदने के लिए विधायक नहीं बनना चाहता, बल्कि जनता के काम करने के लिए विधायक बनना चाहता हूँ। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने कहा, मैंने 2014 से 2019 के बीच में पृथला विधानसभा क्षेत्र के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया, आगे भी पृथला विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। गिड़गिड़ाने की क्या बात है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि 5 साल में मेरे से पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, दूसरी बार में मेरे से बाद में नैनपाल जी रहे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, मैं भी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहा था। मैं तो ये कहता हूँ चैलेंज के साथ, वो अपनी अपनी बात बताए, उन्होंने 5 साल में क्या विकास किए हैं और हमने क्या किए हैं और आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। उनके पास ना प्लानिंग है ना कुछ है, बस अपना ये है कि हमने खाने की प्लानिंग उनके पास जरूर होगी कि किस तरीके से हमने अपनी कोठियों को आगे सुसज्जित करना है, फार्म हाउस खरीदने हैं, पेट्रोल पंप बनाने हैं, मैंने अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को कैसे, बाकी अब ये 10 साल का जो जेल हो चुकी है ना एक पूर्व मुख्यमंत्री को, उसके बाद ये सब चीजें नॉलेज में आ चुकी है, वो चीज चलने वाली नहीं।